भाई मेन चीज आपकी देख रहे हो ना, तरीका देख रहे हो। हेलो पृथ्वीवासियों, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आपके सामने फिर से हम हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो लेके और नई चीज के साथ। आपको लगता होगा ना कि भाई मैं सारे मिक्स ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ, मैं मिक्स ब्लॉग बनाता हूँ। फूड ब्लॉग्स भी होते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स भी होते हैं और होम ब्लॉग्स कहते हैं ना जिन्हें, वो भी होते हैं। चक्कर ये है, हम ये चाहते हैं कि भाई आपको हर चीज का मजा प्रॉपर मिलता रहे, आपको अलग अलग चैनल फॉलो ना करने पड़े, आपको एक चैनल में ही सब मिल जाए। तो इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपका स्पेशल फालूदा। और फालूदा इतना टेस्टी है यहाँ का। 12 सेक्टर में इस टाइम हम खड़े हैं और करनाल का क्राउडेड एरिया है, पर इस टाइम क्राउड नहीं है क्योंकि ये पार्किंग साइट है। तो पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई हैं खचाखच और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि ये बनाते ही इस तरह, मतलब बहुत टेस्टी होता है। मैंने एक बार खाया था, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया था, और आज आपको दोबारा खा के दिखाएंगे, आपको भी मज़ा दिलवाएंगे और हम खुद भी मज़े लेंगे। तो लो जी, ये हमारे फलूदे वाले की जो टेम्पू कह लो, रेडी कह लो, जो मर्जी कह लो, जो कहना। और ये भैया जी हैं हमारे। हाँ जी, कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से? ओह माय गॉड, और इतनी दूर से आए हो? क्या क्या देते हो बना, मतलब खाने में क्या क्या है? अच्छा अच्छा, मतलब मेन आपका फलूदा चलता है। तो फिर बना के दिखा दो फलूदा बढ़िया सा। वीडियो अच्छी बन नहीं रही थी तो मैं क्या अंदर ही चले जाते हैं। ओ भाई, ओए, ये पूरा प्रॉपर कैबिन बना रखा है, क्या बात है। आइसक्रीम ही आइसक्रीम है यहाँ पे, बहुत सारे फ्लेवर्स है। अभी आपको दिखाते हैं कि भी कैसे ये बनाते हैं। और इन्होंने पहले क्या डाला इसमें? लच्छा डाला। ओके, तुलसी के बीज है। तुलसी के बीज, तो ये तुलसी के बीज हैं, बड़े स्पेशल हैं और इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो ये रूह अफजा। ओके, देख रहे हो ना, मतलब बड़ा टेस्टी लग रहा है। ये मेन हमारी रबड़ी जो हर एक को पसंद होती है, क्या बात है भाई। तो ये बना रहे हैं बहुत टेस्टी भाई, कलाकार हैं कलाकार। वाह, देख रहे हो ना, तरीका देख रहे हो किस तरीके से घुमा फिरा रहे हैं इसको। कितना टाइम हो गया भैया जी यहाँ पे लगाते हुए? यहाँ पे बढ़ गया, 5 साल हो गया। 5 साल हो गए हैं? अच्छा जी, भैया भैया जी बड़े इज्जत दे रहे हैं, बड़े भैया बड़ी भैया कह के बोल रहे हैं। ये पान मसाला है। लो जी, एक स्कूप डल गया पान मसाले का। ये अमेरिकन नट्स, यार दोनों ही फ्लेवर मेरे बहुत पसंदीदा हैं, क्या बात है। 2 स्कूप आइसक्रीम के, थोड़ी सी रबड़ी, लच्छे, और वो क्या था वो बीज? तुलसी के बीज। और ये हमारे ड्राई फ्रूट, और ये स्पेशल चीज़ जो ठंडी ठार होती है, गुलकंद के नहीं, क्या बात है। जैली, बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज़ जैली। भाई आपने ये देख लिया ना आज, बस मेरे को पता पक्का आप यहाँ पे आओगे ज़रूर। और लो जी, हमारे फलूदे तैयार हैं, वहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, थैंक यू। लो जी, ये बड़े लजीज लग रहे हैं। और कुलदीप वीरे, टेस्टी लग रहे हैं, आ जाओ। नहीं खाऊंगा, एक ही खाऊंगा, एक ये खाएगा जो हमारा कैमरामैन रहता है हमेशा। मक्खियां पै रही हैं, मीठी चीज में मक्खियां डरती हैं, आपको पता ही है, तो थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। तो हम ये पहले खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सुदीप नजारा, हर एक चीज का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। और अब गुलकंद है ना जो ठंडे को एक्स्ट्रा ठंडा कर देती है, जरूर ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। इस गर्मी के मौसम में तो बेस्ट चीज़ है खाने के लिए। बड़ी पुरानी आइटम है पर जो अब डालते हैं ना इसमें जो चीज़, वो बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, नॉर्मली ये मिलती नहीं है चीज़ें,
मस्त मक्खियां ना बैठने थे। तो हाँ जी, अभी अभी फलूदा खाया, मजा आ गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये नॉर्मली देते हैं आइसक्रीम से एक दो स्कूप डाल के, मैं सोच रहा हूँ इनसे एक्स्ट्रा स्कूप मांगे और दो तीन फ्लेवर्स मिक्स करके और उसमें इनसे जो भी चीज़ें इन्होंने फलूदे में डाली वो डलवाएं, मतलब जो भी सीड्स वगैरह, जैली, चेरी, मतलब जो भी हो सब कुछ डलवाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और देखते हैं क्या बनता है। मतलब मैं अगेन इनकी आइसक्रीम की रेडी के अंदर आ गया हूँ। अब एक चीज़ और आपको भी बताई है जो वो बनवाने के लिए पाजी कह रहे हैं, आपको 8 स्कूप बना के दिखाते हैं। ये मैंगो फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर ने अभी गिलास घेर देना था। ये चॉकलेट फ्लेवर है। ओके, ये चॉकलेट फ्लेवर है, अमेरिकन नट्स। तीन फ्लेवर, तीन स्कूप डल चुके हैं। ये स्ट्रॉबेरी आ गया है, अगला मेरा फेवरेट फ्लेवर है पान फ्लेवर। ओके ओके, इन्होंने तो हमें गिलास में संडे बना के दे देना। ये राजभोग बटर स्कॉच, ओके बटर स्कॉच है, अमेरिकन नट्स फिर से, मतलब दो दो स्कूप हर एक के डाल रहे हैं ये। लो जी, ये जबरदस्त चीज बन गई है और इसको अब ये सजाएंगे। ये और हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है यार। 8 स्कूप संडे, क्या बात है। मेरे को लगता है ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा और बहुत टेस्टी चीज लग रही है जो भी बना है ये। अब खाएंगे और फिर आपको बताएंगे। थैंक यू भैया जी। पहले मुझे ये बात, क्या टेस्ट करूँ, क्या टेस्ट करूँ, मतलब फ्लेवर यार वो तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी टेस्ट करें। मैंने खाने के लिए कहा, चाटने के लिए नहीं। जो आ जाए चम्मच में। हाँ, सारी चीजें इकट्ठी तो नहीं खाई जाएंगी। हाँ जी, माशाल्लाह। ओ भाई, भैया जी ने हमने सब्सक्राइब भी कर लिया और बाकी मजा आ गया यार सच में। कोई नहीं, बाकी आते रहेंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमारी वीडियोस को प्यार देते रहे। आगे से आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया था, बाय। तो हाँ जी, आज आपको नई चीज दिखाई है और एक्सपेरिमेंट जो किया यार वो तो नजारेदार। मैंने बड़े सारे ब्रांड्स की आइसक्रीम खाई है, मेरे को पता आप भी खाते होगे अलग अलग ब्रांड्स की, पर यार ये चीज थी ना जो, ये नेक्स्ट लेवल थी। मतलब जो जो चीजें ऊपर डालते हैं ना वो तो ब्रांड्स भी नहीं डालते, तो इसलिए बहुत ही टेस्टी थी। आप जरूर ट्राई करें और ऐसे ही हम आपको मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो अच्छा लगा जो बुरा लगा वो कमेंट में लिखें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसी लजीज वीडियो के साथ। हंसते रहो, वाजते रहो, टाटा बाय बाय।